हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्वाति। मेरे चैनल पर अब सभी का स्वागत है। तो फिर से मैं एक नई रेसिपी लेके आ चुकी हूँ दोस्तों। ये रेसिपी आप लोग एक बार देखोगे तो इस तरह रोज इस नाश्ता को बनाओगे दोस्तों। खाने में बहुत ही टेस्टी है और एक कटोरी दाल और चावल से पूरे परिवार के लिए नाश्ता बना सकते हो। तो चलिए अभी हम वीडियो को देख लेते हैं। पहले हम पैन में एक गिलास पानी डाल देते हैं और देखिए चार हरी मिर्च और कुछ टमाटर और पांच ठो लहसुन को इस तरह हम पहले उबाल लेंगे। इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं डाला है दोस्तों। तो देखिए टमाटर हमारा अच्छी तरह उबल चुका है, तो इसको अभी हम निकाल लेते हैं प्लेट में और टमाटर को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो सभी टमाटर को हम निकाल लिए हैं। देखिए थोड़ा सा टमाटर ठंडा हो चुका है, तो इस तरह हम टमाटर का छिलका को उतार लेते हैं। तो देखिए सभी टमाटर छिलका को हम उतार लिए हैं, अभी इसको साइड में रख लेते हैं। तो एक कप अरवा चावल और आधा कप चना दाल को हम दो घंटा पहले भिगो कर छोड़ दिया था दोस्तों। ये अच्छी तरह भीग चुका है, तो इसको अच्छी तरह धो कर रख लिया हूँ। अभी इसको हम पीस लेंगे। तो एक मिक्सी जार लेंगे और मिक्सी जार में हम चावल दाल को डाल देते हैं और जो टमाटर लहसुन और हरी मिर्च को उसी में डाल देते हैं। एक ही साथ में हम सभी चीजों को पीस लेंगे। तो देखिए सभी चीजों को हम पीस लिए हैं। इसमें दो तीन चम्मच पानी डाल के मैं पीस लिया हूँ दोस्तों। बहुत स्मूथ वाला पेस्ट बन के रेडी हो गया है, बहुत ही चिकना वाला। तो अभी इसमें स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे, कुछ बारीक काटा हुआ हरा धनिया पत्ता को भी डाल देते हैं। तो दो चुटकी जितना हम बेकिंग सोडा लिए हैं, तो इसको भी डाल देते हैं। इसको डालने से हमारा नाश्ता थोड़ा सा सॉफ्ट बनेगा दोस्तों। तो सभी चीजों को हम अच्छी तरह इस तरह मिला लेते हैं। तो देखिए बैटर इस तरह रहना चाहिए दोस्तों, बहुत भी पतला नहीं और बहुत भी मोटा नहीं। तो सभी चीजों को हम अच्छी तरह मिला लिए हैं, अभी हम इस नाश्ता बनाएंगे। तो नाश्ता बनाने के लिए पैन में एक चम्मच जितना ऑयल को डाल दिए हैं। ये देखिए कुछ सफेद तिल लिए हैं, तिल को हम इस तरह ऊपर से डाल देते हैं। ये देखने में थोड़ा सा सुंदर लगेगा दोस्तों और खाने में भी। तो एक चम्मच बैटर को लेंगे और इस तरह हम फैला देंगे। तो देखिए एक दो मिनट हम इसी तरह छोड़ देते हैं इसको, तुरंत इसको नहीं पलटाना है दोस्तों। थोड़ा सा ऊपर ड्राई ड्राई दिखेगा, उसके बाद हम पलटाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा ऊपर ड्राई दिख रहा है, तो अभी इसको हम पलटा लेते हैं। देखिए कितना सुंदर कलर आया है और तिल भी हमारा बहुत सुंदर दिख रहा है। एक चम्मच ऑयल साइड में इस तरह दे देते हैं दोस्तों और ऑयल के साथ नाश्ता को अच्छी तरह इस तरह हम मिला लेते हैं। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो लोग पहले से मेरे को सब्सक्राइब करके रखे हैं, उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये नाश्ता हमारा बन गया है, तो अभी इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना सुंदर दिख रहा है हमारा नाश्ता। तो इसी तरह हम और एक ठो नाश्ता को मैं बनाकर दिखा रही हूँ दोस्तों। तो देखिए सेम उसी तरह हम एक चम्मच बैटर डाल देते हैं और अच्छी तरह फैला लेते हैं और थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं, ऊपर ड्राई हो जाएगा, उसके बाद इस तरह हम पलटा लेंगे। दोस्तों दाल चावल की ये नाश्ता आप लोग पहले कभी नहीं बनाए होंगे और ना खाए होंगे। एक बार बनाओगे तो इसका दीवाना हो जाओगे दोस्तों, ये मेरा गारंटी है। तो एक बार जरूर बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए मैंने सभी नाश्ता को इसी तरह बना लिया हूँ। तो दोस्तों देखिए हमारा नाश्ता रेडी हो गया है। तो मैं आप लोग को एक तोड़ के दिखा रही हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट बना है दोस्तों, बहुत ही नरम और जालीदार भी है ये नाश्ता, खाने में बहुत ही टेस्टी। इसका खास बात है ये कोई कुछ सब्जी ना हो तो भी इसको हम खा सकते हैं, क्योंकि इसमें हम टमाटर लहसुन मिर्चा डाले हैं, तो इसी तरह भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ। आज के लिए बाय बाय।